आज हम सीखने वाले हैं मिरर डबल रोल वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। कितनी चाहत है दिल में, कैसे दिल को समझाए। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे करना है सबसे पहले वो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। रिकॉर्ड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके पास एक मिरर होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते होंगे मेरे में कुछ इस प्रकार से है। और आपका मोबाइल कहीं एक जगह पर फिक्स होना चाहिए, आपका मोबाइल हिलना नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग करते समय एक बार आप रिकॉर्डिंग चालू कर दिए मोबाइल में, तो जब तक इंद नहीं हो जाता, जब तक पूरा वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है खत्म नहीं हो जाता, तब तक वीडियो जो रिकॉर्डिंग है स्टॉप नहीं करना है, रोकना नहीं है। एक ही वीडियो में सब अपना एक्टिंग कर लेना है, समझ गए होंगे। अब एक्टिंग कैसे करना है सबसे पहले वो आप देख लीजिए, क्योंकि एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है लोग, ठीक है। सबसे पहले वो आप देख लीजिए, हम कुछ इस प्रकार से किए हैं। सबसे पहले आपको मिरर में जो चीज़ दिखाना है, जो आपको एक्टिंग करना है, वो आप कर लीजिए कि भाई हमको मिरर में ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है। जैसे कि आप देख सकते होंगे हम मिरर में कुछ इस प्रकार से अपना एक्टिंग किए, इस प्रकार से किए हैं, उसके बाद ऐसे हम कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे मिरर वाला। उसके बाद जो सामने आपको एक्टिंग करना है उस पर आइएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा, जहाँ से आप एक्टिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे मिरर में कुछ अलग हो जाता है और सामने कुछ अलग हो जाता है, जहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं सेम उसी पोजीशन में आपको जा करके खड़े हो जाना होगा। जैसे कि आप देख सकते होंगे सेम उसी पोजीशन में खड़े तो थे ही, उसके बाद मुड़ी ऐसे नीचे किए थे, तो सेम उसी प्रकार से मुड़ी नीचे करके ऐसे किए हैं और सामने ऐसे कुछ इस प्रकार से एक्टिंग किए हैं, उसके बाद हम चले गए हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे कुछ इस प्रकार से। तो आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिएगा कि इस प्रकार से हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, आप अच्छे तरीके से एक्टिंग कीजिएगा। इतना हो जाने के बाद एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे VNF। तो आपके मोबाइल में VNF होना चाहिए, होगा भी, अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे, डाउनलोड कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। भाई प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। हम अपने VNF को ओपन करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो आप वीडियो को रिकॉर्ड करके रखे हैं उसको आप ऐड कीजिएगा, एरो पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल, क्लिक करके 9:16 पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके वीडियो के स्टार्टिंग में कोई सा भी फालतू भाग आ चुका है तो उसको आप कटिंग करके हटा दीजिएगा। देख लेते हैं मेरा वीडियो कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से हम स्प्लिट करके हटा देंगे, देख लीजिए ये फालतू भाग है। चलिए हम यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं मेरा वीडियो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक इसके पहले यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, जो भी हमारा फालतू भाग है उसको हम डिलीट कर लेंगे। उसके बाद हम प्ले करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो साउंड है आप यहाँ से म्यूट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मिरर वाला वीडियो क्लिप है। तो चलिए हम इसे प्ले करके देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हम एक्टिंग किए हैं मिरर में, और यहाँ से इधर देखते हैं कि जैसे सामने वाला बंदा जाएगा, ठीक है मुझे यहीं तक चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं, यहाँ तक चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है हम स्टार्टिंग की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद आपको प्ले करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर थोड़ा सा VNF लेग कर रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप मिरर वाले वीडियो क्लिप पर ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से हमको सामने वाला जो ओरिजिनल वीडियो क्लिप है इसमें हमको चेंज करना है, ऐसे कि जैसे लगेगा कि हम इस पर नाराज है, उसके बाद हम चले जाएंगे तो वो वीडियो क्लिप आगे है, ठीक है। यहां से हमको लगाना है तो हम यहां से आगे चलेंगे, देख लेते हैं सेम हम उसी पोजीशन में रहते हैं, देख लीजिए दोनों वीडियो में मिरर वाला और फिर से सामने जो ओरिजिनल है दोनों में सेम पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला, यहां से हमको स्प्लिट कर लेना है, तो हम यहां से स्प्लिट कर देंगे, स्टार्टिंग का जो फालतू भाग है डिलीट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो हम अपने अगले वीडियो पर आ जाएंगे, ये हमको लेयर में चाहिए। लेयर के लिए आप यहां से फॉरवर्ड पर क्लिक कीजिएगा, लेयर बन करके आ जाएगा, इसको आप यहां से स्लाइड करके आप वहां पर ला दीजिएगा जहां से आप लगाना चाहते हैं, देख लीजिएगा अपना पोजीशन, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं मुझे कहां से लगाना है, यहां से नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम पोजीशन देख लेते हैं, ठीक है। हम कुछ इस प्रकार से करते हैं,
मुझे यहाँ से अपना वीडियो लगाना है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से स्लाइड कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते होंगे, और कुछ इस प्रकार से उठ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लेयर वाला वीडियो क्लिप है, इसको आप यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा, फिल पे क्लिक कीजिएगा, फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आगे चलिएगा, मास्क वाला ऑप्शन को ओपन कीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लीनियर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और इसको आप कुछ इस प्रकार से रोटेट कर दीजिएगा जैसे कि आप देख सकते होंगे, ताकि जो हम लेयर वाला वीडियो ऐड किए एक साइड हो जाएगा और मिरर वाला वीडियो एक साइड हो जाए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से मैच हुआ है या फिर नहीं। चलिए हम प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम यहाँ से एक्टिंग किए हैं, तब तक वो मिरर वाला जो वीडियो क्लिप है वो ऐसे देख लिया है कि हाँ ये भाई पार हो चुका है, मतलब जा रहा है, ठीक है, तभी ना देखेंगे। तो यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने वीडियो क्लिप पे रहेंगे, ये नीचे वाला जो मेन वीडियो क्लिप है इस पर हम रहेंगे। तो जहाँ से आपका लेयर वाला वीडियो स्टार्ट होता है वहाँ पर आ करके रुक जाइएगा, आप अपने वीडियो को मेन वीडियो को स्प्लिट कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपका ये जो मेन वीडियो क्लिप है इस पर आइएगा, स्पीड पे क्लिक कीजिएगा, रेगुलर पे क्लिक करके इसमें आप जितना स्लो मोशन देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बस आपका मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरा मैच नहीं हुआ था जिसके चलते हम स्लो मोशन दे करके मैच कर रहे हैं। चलिए हम प्ले करके देख लेते हैं फिर से मैच हुआ है या फिर नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से उसमें स्लो मोशन होता है। अब इधर से जाएंगे तब वो देखेगा, कुछ ज़्यादा ही स्लो मोशन हो चुका है। फिर से हम स्पीड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, फिर हम डन पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम प्ले करके देख लेते हैं मैच हुआ है या फिर नहीं। आप अच्छे तरीके से मैच कीजिएगा। देखिए हम कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से हम जाते हैं तो वो इधर देखेगा, थोड़ा सा और स्लो मोशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। और सबसे पहले आप इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, टैब टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, साउंड वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे, डाउनलोड कीजिएगा, उसको आप ऐड कीजिएगा, जो भी इसका नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके पे क्लिक करके साउंड को बाहर कीजिएगा, चूज वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद जितना बड़ा आपका म्यूजिक है उतना बड़ा इसको आप स्प्लिट कर दीजिएगा, जो भी फालतू भागे। तो चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, आगे वाटरमार्क आएगा इसको भी आप डिलीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए अच्छे तरीके से मैच हो रहा है या फिर नहीं। चलिए प्ले करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस हो रहा है मेरा वीडियो, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हम अपना एक्टिंग किए हैं, और यहाँ से हम चले जाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो यहाँ पर बाउंस हो रहा है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से मैच नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अपने वीडियो क्लिप पर क्लिक कीजिएगा, ये सेकेंड वाला देख लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद इफेक्ट्स पर क्लिक कीजिएगा, आप इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जीतेल, ये आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जीतेल पे क्लिक कर देंगे, इसका जो ड्यूरेशन है देख लीजिएगा 0.50 सेकेंड, उसके बाद आप यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप अपने लेयर वाले वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से आप इफेक्ट्स को ओपन कीजिएगा, इफेक्ट्स को ओपन करेंगे, फिर आप स्टार्टिंग में आ जाइएगा, इसमें आपको अप्लाई करना है सेम वही एनिमेशन जीतेल, और जो उसका ड्यूरेशन था सेम वही रहना चाहिए 0.50 सेकेंड, हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। लीजिए आपका वीडियो अच्छे तरीके से मैच हो चुका है। चलिए प्ले करके दिखा देते हैं, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए आप यहां से एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये एडिटिंग आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।